क्या नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की संपत्ति जो बीते 5 सालों में 1119% तक बढ़ी है, क्या उनकी विधायकी पर अब संकट मंडरा रहा है? क्या रघुवर मंत्रिमंडल के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति वाकई 5 सालों में ही अचानक बढ़ गई है? क्या सीएम हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर अमर बावरी सहित 5 पूर्व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच तेज कर दिए हैं? आखिर बीते 5 सालों में रघुवर सरकार के मंत्री अमर बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, रणधीर सिंह, लुइस मरांडी की संपत्ति में क्या वाकई अप्रत्याशित वृद्धि पाई गई है? और अगर इन 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति बढ़ी है तो बीते 5 सालों में इन पूर्व मंत्रियों की संपत्ति आखिर कितनी प्रतिशत बढ़ी, जिसके खिलाफ अब एसीबी ने शिकायतकर्ता पंकज कुमार यादव को नोटिस भेजकर अपने दफ्तर बुलाया है, वो भी इन 5 मंत्रियों की बढ़ी संपत्ति पर गवाही देने के लिए। आज इस वीडियो में नश्तर से चूपते हुए इन सभी सवालों का एक एक जवाब तलब करेंगे और विस्तार से बताएंगे आपको कि रघुवर मंत्रिमंडल के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति कितने सालों में आखिर कितने करोड़ तक पार कर गई है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे आपके फेसबुक यूट्यूब पन्ने पर। असल में खबर यह है कि रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्री अमर बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, रणधीर सिंह, लुइस मरांडी की संपत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि मामले में दर्ज प्रारंभिक जांच की पड़ताल में जुटे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिकायतकर्ता पंकज कुमार यादव को नोटिस जारी कर दिया है। मामले के अनुसंधानकर्ता डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बीते 31 अक्टूबर को नोटिस जारी करते हुए शिकायतकर्ता पंकज कुमार यादव को 1 सप्ताह के अंदर किसी भी कार्य दिवस में मौजूद होने को कहा है। असल में यह नोटिस ही शिकायतकर्ता पंकज कुमार यादव को देरी से मिली है, इसलिए अनुमान है कि वे अगले हफ्ते किसी भी दिन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के सामने उपस्थित होकर गवाही दे सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि शिकायतकर्ता पंकज कुमार यादव ने रघुवर सरकार के इन 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका क्यों दायर की और इस जनहित याचिका में 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आखिर क्या शिकायत की गई थी। हुआ यह कि शिकायतकर्ता पंकज कुमार यादव ने साल 2020 में झारखंड हाईकोर्ट में रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में कहा गया था कि 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति बेहिसाब बढ़ी है। इस याचिका में शिकायतकर्ता ने बताया था कि अमर बावरी के पास साल 2014 में मात्र 7,33,000 की संपत्ति थी, जो साल 2019 में बढ़कर 79,91,000 की हो गई। यानी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी की संपत्ति बीते 5 सालों में 1119% तक बढ़ गई है। अमर बावरी की संपत्ति में बीते 5 सालों में कुल 82,00,000 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी तरह रणधीर सिंह की संपत्ति साल 2014 में 78,00,000 रुपए की थी, जो साल 2019 में संपत्ति बढ़कर 5,06,00,000 रुपए की हो गई है। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह की संपत्ति बीते 5 सालों में 542% तक बढ़ी है। रणधीर सिंह की संपत्ति में बीते 5 सालों में कुल 4,27,00,000 की भारी बढ़ोतरी हुई है। दूसरी मंत्री थी यानी तीसरी मंत्री थी नीरा यादव, जिनकी कुल संपत्ति साल 2014 में 80,59,000 रुपए की थी। उनकी भी संपत्ति बीते 5 सालों में 3,65,00,000 के पार कर गई है। यानी बीते 5 सालों में पूर्व मंत्री नीरा यादव की संपत्ति 354% तक बढ़ी है। साल 2014 से 2019 तक नीरा यादव की संपत्ति में कुल 2,84,00,000 रुपए का भारी इजाफा हुआ है। इसी प्रकार लुइस मरांडी के पास साल 2014 में 2.24 करोड़ की संपत्ति थी, जिनकी संपत्ति भी साल 2019 में कुल 9,06,00,000 रुपए की हो गई है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी की संपत्ति बीते 5 वर्ष में यानी बीते 5 सालों में 303% तक बढ़ गई है। लुइस मरांडी की संपत्ति में बीते 5 सालों में कुल 6,81,00,000 का इजाफा हुआ है। और आखिर में पांचवें हैं नीलकंठ सिंह मुंडा। नीलकंठ सिंह मुंडा के पास साल 2014 में कुल 1,45,00,000 की संपत्ति थी, जो साल 2019 में नीलकंठ सिंह मुंडा की संपत्ति बढ़कर 4,37,00,000 की हो गई। यानी पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की संपत्ति बीते 5 सालों में 199% तक बढ़ गई है।
नीलकंठ सिंह मुंडा की संपत्ति में बीते 5 सालों में कुल 2,91,00,000 की बढ़ोतरी पाई गई। ये तो हुए पूर्व मंत्रियों के संपत्ति में बेहिसाब बढ़े आंकड़ों की कहानी। अब आपको एक और कहानी बताई जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही द फोर्थ पिलर पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का हमने इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में हमने 5 सालों में उनकी संपत्ति में हुई बढ़ोतरी को लेकर उनसे सवाल किया था। उस सवाल पर सांसद निशिकांत दुबे ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, ये इसलिए भी सुना जाना चाहिए क्योंकि इससे आपको यह अंदाजा लग सकेगा कि आखिर विधायकों या सांसदों की संपत्ति में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का एक पक्ष और क्या है। बाकी कई ऐसे विधायक और सांसद तो हैं ही जिनकी संपत्ति वाकई में बढ़ी है और जिनके खिलाफ जांच तो होनी ही चाहिए, और जांच के बाद जो सजा हो उस सजा के बारे में पत्रकारों को इस राज्य की जनता तक बात पहुंचानी ही चाहिए क्योंकि मसला इस राज्य का है, जल जंगल जमीन का है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। द फोर्थ पिलर पिछले कई महीनों से लगातार विधायकों सांसदों की संपत्ति पर लगातार रिपोर्ट करता रहा है। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा से हमारे विधायक और सांसद चुनकर आते हैं, मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं, उनसे ये सवाल तो होना ही चाहिए कि बीते 5 सालों में आपकी संपत्ति आखिर कैसे इतनी बढ़ी, और अगर ऐसी बढ़ी हो संपत्ति तो उसके बारे में पूरा ब्यौरा तो जनता तक पहुंचना ही चाहिए। इसलिए द फोर्थ पिलर इस पर लगातार वीडियो करता रहा है। ये वीडियो भी अब आपके हवाले है। जनता तक इस वीडियो को अलग तरीके से पहुंचाइए, खूब शेयर कीजिए और बताइए कि इन 5 मंत्रियों का, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी संपत्ति पहले कितने लाख थी, अब कितने करोड़ है। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।